नमस्कार दोस्तों, आप सबको ममता की जिंदगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है। मैं हूँ ममता शंकरी। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ। मैं थोड़ी दिन ब्रेक ली हूँ, तो बहुत दिन के बाद मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ। सॉरी, मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो मेरी बेटी ने मना की कि तबीयत खराब करके मत करो, थोड़ा आराम करो, तो मैंने ब्रेक ले लिया। तबीयत खराब थी इसलिए, तो अभी कर रही हूँ, अभी रेगुलर करूँगी, जाके रेगुलर वीडियो आ जाएगा आप लोगों को, तो देख लीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं अभी आगे से अच्छे से डेली अपलोड कर लूँगी, तो थोड़ी दिन ब्रेक लेके अभी व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज का वीडियो में मैं मेरे एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहती हूँ, बस आप लोग सुन लीजिएगा जो मेरे एक्सपीरियंस था। मैं जब गांव में पली बड़ी हूँ, पहले ही आपसे बता चुकी हूँ मैं, तो मतलब गांव में तो इतना जानकारी नहीं था। तब जब मैं छोटी थी तो टीवी नहीं था और मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, सोशल मीडिया कुछ नहीं था, तो हमें इतना जानकारी ज़्यादा कुछ नहीं था। घर और स्कूल कॉलेज यही था, तो लेकिन ज़्यादा दबे नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी जानकारी कहाँ से आएगा। हमारे गांव में ही रहते थे, बस बाहर का दुनिया देखे नहीं, तो कुएं के मेंढक जैसे थी मैं, बाहर के दुनिया के बारे में नहीं पता था। तो शादी करके एकदम बाहर गई मैं। मेरे शादी करने के टाइम में मेरे हस्बैंड गोवा में थे, वो फौज में थे, डिफेंस में, इंडियन नेवी में, तो मैं उनके साथ गोवा में आ गई। शादी करके एक हफ्ते के अंदर हम गोवा में आ गए। गोवा में आने के बाद मुझे इतना मुश्किल हो गया एडजस्ट होना, क्योंकि मैं गांव में पली बड़ी हूँ और हमारा कल्चर में पली बड़ी हूँ, दूसरा कल्चर के बारे में पता नहीं। वहाँ डिफेंस में, नेवी में क्या था, नॉर्थ इंडियंस थे सबसे ज्यादा, मतलब ज़्यादातर डिफेंस में नॉर्थ इंडियंस रहते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में ज़्यादा लोग नॉर्थ इंडियन ही है ना, स्टेट ज़्यादा नॉर्थ इंडियन है, साउथ में तो 4-5 स्टेट है, तो ज़्यादा डिफेंस में भी वही लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आप लोग नॉर्थ इंडियंस, तो नॉर्थ इंडियंस फ्रेंड्स थे मेरे हस्बैंड के, सभी फ्रेंड्स नॉर्थ इंडियंस थे, साउथ इंडियन कोई नहीं थे। तो मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, हमें तो 10th तक थर्ड लैंग्वेज था, लेकिन पढ़ाई के टाइम में पढ़ती थी, अच्छे से मार्क्स आ जाता था, लेकिन बात करना बिल्कुल नहीं आता था, समझ में भी बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल नहीं, हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी मुझे। कुछ क्या पूछ रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कहाँ आके पड़ी हूँ मैं, ऐसा लग रहा था मुझे उस टाइम में, क्योंकि बिल्कुल नहीं आती है ना। तो वही सीखने के लिए टीवी, अभी तो टीवी देख के बहुत लोगों को हिंदी आती है, हिंदी चैनल्स देखेंगे तो आ जाते हैं, उस टाइम में तो टीवी भी नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। फिर उनका कल्चर भी मुझे बहुत अजीब लगा और आश्चर्य लगा, मुझे एडजस्ट होना बहुत मुश्किल लगा। खाना पीना भी वहाँ फ्रेंड्स के घर में खाने में बुलाते थे, जाने के बाद खाना भी बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आदत नहीं है ना बचपन से एक ही जैसे खाना खाई हो, तो आप लोगों को भी एक ही जैसे खाना खा के दूसरों का खाना एडजस्ट करना मुश्किल होता है, दूसरे जगह का खाना खाना अच्छा नहीं लगेगा शुरू में, बाद में धीरे धीरे हो जाता है आदत, अभी तो धीरे धीरे आदत हो गया, अभी तो अच्छे से आदत हो गए, ये बात अलग है। तो पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और गरम मसाला हमारे यहाँ यूज़ नहीं करते हैं, मसाला तेल मसाला यूज़ नहीं करते हैं, मेरे रेसिपीज देख के आपको पता चला होगा, गरम मसाला बिल्कुल नहीं है, मुझे गरम मसाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उस टाइम में, तो अभी आदत हो गया, लेकिन उस टाइम में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो ये सब और उनके कल्चर के बारे में बिल्कुल भाषा नहीं आती थी, उसके बाद धीरे धीरे सीखने लगी। मैं क्या करूँगी, मैं नए नए शादी थी, मेरे काम भी कुछ नहीं है घर में, 10 बजे तक मेरा खाना पीना खाना बनाना सब कुछ हो जाता था। मेरे हस्बैंड सुबह जाएंगे 8 बजे लंच के लिए आ जाएंगे, फिर शाम को आ जाएंगे लंच करके जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी घर में बैठ के, 10 बजे तक खाना खत्म बनाना घर का काम खत्म हो जाता, तो फिर क्या करूँगी मैं, तो बहुत बोर होता था। किसी से बात करना है तो लैंग्वेज नहीं आती है, भाषा नहीं आती है, बहुत बोर हो जाती थी मैं। फिर धीरे धीरे एक सिलाई क्लास में ज्वाइन हो गई मैं, वहाँ सिलाई क्लास था, मतलब ऑफिसर्स वाइज एसोसिएशन होता है हमारा नेवी के, उसके अंदर ही सब कुछ फैसिलिटीज है हमारा, तो वहाँ सिलाई क्लास ज्वाइन की, फिर उधर एक एक करके बात करने लगी। और इनके फ्रेंड्स के घर में जाऊंगी तो ना मैं
अंदर जाके औरतों से थोड़ा थोड़ा बात करने लगी, उन लोगों से थोड़ा सा गलत गलत कुछ कुछ, अभी भी गलत ही है हिंदी फिर भी तब कुछ नहीं पता था ना, एक एक वर्ड्स बात करने लगी, फिर वो लोग बात करते हैं तो पकड़ने लगी, ऐसे कर करके सीख लिया मैंने औरतों से बात करते करते। वो लोग मजाक उठाते थे, सभी लोग मिलके मेरे से कुछ बात करेंगे मुझे समझ में नहीं आएगा, वो लोग हंसते थे तो सभी मजाक उठाते थे मेरा। अभी तो अभी बाद में तो वो लोग बहुत अच्छे से दोस्त बन गए हमारा, वही लोग जो मजाक करते थे। ये पता लगे बहुत अच्छा फ्रेंडशिप मिला, फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले। वो दो पाँच साल में शादी के बाद पाँच साल थी मैं, मतलब मेरे हस्बैंड का 11 ईयर्स सर्विस पहले हो गया था, फाइव ईयर्स बाद में शादी के बाद हो गया था। वो 5 साल बहुत अच्छा था मेरा, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले थे, अभी भी कांटेक्ट में है कोई कोई फ्रेंड्स। बहुत अच्छा था वो जिंदगी, अच्छा था, लेकिन शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल हो गया था मेरा। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं 10-15 दिन में थोड़ा सा बात करने लायक हिंदी सीखी थी मैं 15 दिन में। फिर धीरे 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 करके 6 महीने तक थोड़ा सा अच्छे से बात करने लगी फ्रेंड्स लोगों से, बाकी सबसे। ये था मेरा एक एक्सपीरियंस हिंदी बात करने का, हिंदी सीखने का एक्सपीरियंस है। लेकिन एक बात तो सही है, हमें मन है सीखने का, इंटरेस्ट है, तो कोई भी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। अभी मैं हिंदी सीखी हूँ उसको, फिर मैं गलत हो या सही हो लेकिन रखी हूँ हिंदी को, मतलब देख के टीवी देख के सीरियल देख के उसको भूलने नहीं दी मैंने, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखोगे तो वही अच्छा है हम लोगों को। मतलब एक हमारा लैंग्वेज अपना लैंग्वेज के अलावा दूसरा लैंग्वेज, जितना आप लैंग्वेज सीखोगे उतना आपका माइंड ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, क्योंकि दूसरा कल्चर के बारे में पता होता है। अभी मुझे नॉर्थ इंडियन कल्चर के बारे में कैसे पता चला, तो हिंदी लैंग्वेज सीख के ही पता चला ना, तो नहीं तो पता नहीं चलेगा। लेकिन नॉर्थ इंडियन कल्चर मुझे शुरू शुरू में बहुत आश्चर्य लगा, बहुत अजीब लगा, क्योंकि सही उल्टा है हमारे यहाँ। आपके मैं वहाँ थी तो सभी लोग बोलते थे मेरे यहाँ से इतना दहेज लेके आई मैं, मुझे इतना दहेज दिया, इतना सोने दिया, इतने कपड़े दिए। मुझे तो आश्चर्य, क्योंकि हमारे यहाँ दहेज का कल्चर बिल्कुल नहीं है। मुझे एक पैसा भी दहेज नहीं दिया मेरे शादी में, पैसा भी, सोना भी, कपड़ा भी, कुछ भी नहीं है, खर्चा नहीं है हमें लड़कियों को शादी करने में। इसलिए तो हमारे यहाँ लड़की पैदा होने से कोई बुरा नहीं मानते हैं, लड़की का शादी करना मुश्किल बात नहीं है, इतना मुश्किल बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, नहीं बोल रही हूँ मैं। पहले थोड़ा सा था लड़की अच्छी नहीं है, लड़की नहीं चाहिए करके लड़के लोग बोलते थे, बाद में लड़कियों को एजुकेशन मिल गया तो फिर मुश्किल ही नहीं हुआ। और पहले से ही पुराने ज़माने से हमें शादी में दहेज नहीं, मेरे मम्मी के ज़माने से ही, नानी दादी के ज़माने से ही दहेज नहीं है हमारे यहाँ, हमारे कास्ट में, खासकर हमारे कास्ट में बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल नहीं है दहेज। तो मुझे ये लोग दहेज के बारे में, मैं सोचती थी कि झूठी बोल रहे हैं, इतना हजारों लाखों का दहेज लेके आए, इतना कपड़े लेके आए, ट्रक भर के सामान लेके आए, ये सब झूठ बोल रहे हैं, समझ रही थी मैंने। बाद में देखती हूँ सभी यही बात बता रहे हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं उनके यहाँ है ऐसे रिवाज, बाद में पता चला मुझे वो सच है। इसीलिए मैं बोल रही थी हमारे बारे में भी आपको आश्चर्य लगेगा मैं जब बोलूंगी तो, क्योंकि मुझे आश्चर्य लगा था वो बात, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, एक पैसा भी नहीं देना है हमें। खर्चा हमारे यहाँ लड़कों को ही ज्यादा है, शादी के खर्चे के बारे में सोचेंगे तो लड़के वालों को खर्चा ज्यादा होता है, लड़की वालों को नहीं। हमारा रिवाज के बारे में, मैं कैसे शादी होता है, कैसे शादी का रिवाज के बारे में एक वीडियो बना के मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, तो देख लीजिएगा आप, इंतजार कीजिए, मैं बताऊंगी हमारा रिवाज के बारे में। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जब शादी होने के बाद जब गई थी तब का एक्सपीरियंस के बारे में मैं अभी बता रही थी। तो कैसा लगा आपको मेरे एक्सपीरियंस, क्या आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस कुछ है, क्या हो गया क्या, ये बात मुझे कमेंट करके, मैसेज करके कमेंट में बता दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।